गरबा करते हैं। गरबा? हाँ गरबा। आता है आपको गरबा? अभी तो बोले कुछ नहीं आता मुझे। हाँ मुझे नहीं आता पर सीखना पड़ेगा हमें, बिकॉज शशि बहन ने ना गरबा का कॉम्पिटिशन रखा है आज रात को, और उन्होंने स्पेशली कहा है जिसको गरबा नहीं आएगा उसको सजा मिलेगी। सजा? देखो मुझे आज तक किसी भी कॉम्पिटिशन में सजा नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिलेगी। तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा गरबा सीखने में। हे भगवान बचा लेना मुझे। ओहो इन दोनों का गरबा देखने में मजा आया ना, शर्वरी की शक्ल देखने लायक होगी। सोसाइटी में रात को गरबे का कॉम्पिटिशन होने वाला है। गरबे का कॉम्पिटिशन? शर्मिला को बजा के। शर्मिला मजा आएगा, आपको आता है ना? उठिए मेरे साथ करिए। ललिता ये देखो मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए सब माप होगा। नहीं नहीं हमको कुछ माप नहीं होगा, करना पड़ेगा सबको। The first step is, ऐसा कोई स्टेप नहीं है। आपको पता है क्या 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 स्टेप होते हैं? अच्छा अभी चलो। ये बहुत मुश्किल है ललिता। ओह नो ये देखो अभी अभी क्या करेंगे एकदम जोर से है ललिता। करो और करो। ये भी दीजिए, जैसा आएगा वैसे ही करते हैं। 1 2 3 सॉरी। हाँ मारी उशिला। सॉरी पता नहीं शिला को लोगों ने इतना हीरो क्यों बना दिया है, आता जाता कुछ नहीं रोटियों के नक्शे कर देती है, डांस तो इसका जीरो फिर भी बनी है सोसाइटी की हीरो। असली हीरो तो हमारी शर्वरी है, भले ही कैसे भी हो दम है बंदी में। एक एक करना है अभिजीत, दो दो नहीं। ओके ओके इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। शिला के साथ कुछ नहीं, शर्वरी के साथ सब कुछ करेगा, फिर तो बंदरों के जैसे उड़ता है उसके साथ। किल बिल सोसाइटी अवार्ड फंक्शन में ये जवानी तेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी मेरी, जच दीन नहीं देती। अब क्या हो गया, कहाँ गई जवानी, बूढ़ा हो गया क्या? मुझे क्या करना है इनका जो करना, मैं तो गरबा के कॉम्पिटिशन में आग लगाने वाली। ओह नो अभिजीत तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिलने वाली है। अच्छा दांडिया नहीं करते हम, क्या करते हैं ना आइए वाला करते, वो नगाड़े संग ढोल में नहीं। इतना ज्यादा हो गया क्या? इतना तुमसे नहीं हो पाएगा ना। अच्छा तुम एक काम करो तुम बस, मैं जब डांस करूंगी ना मेरे पास में बस ऐसे करना। इतना तो कर सकते हो ना? डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ फुस्का। अभी दिखाता हूं तुमको। इतना भी करेंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। शर्मिला रात को सोसाइटी में गरबे का कंपटीशन है, गरबे का कंपटीशन, बहुत मजा करेंगे हम साथ में मिलके गरबा खेलेंगे। आप ही खेलना गरबा, मैं नहीं आ रही नीचे। शर्मिला तुम अभी तक तो उस बात को लेके गुस्सा हो, अरे धूप दो ना गुस्सा। देखो सॉरी सॉरी मैं शम्मू, प्लीज मान जाओ ना। देखिए मैं नाराज नहीं हूँ ना आपसे ना सासुमा से, मेरी इच्छा ही नहीं है इस साल गरबा खेलने की। What happened my son? शर्मिला बोल रही है वो गरबा नहीं खेलेगी, पता नहीं क्या हो गया उसको। हाँ? अबे मैं क्या करूँ कॉम्पिटिशन का? एक काम कर, आप जाइए अभी अपने काम कीजिए। शर्वरी जी, ओए शर्वरी जी। अरे क्या हुआ शुरू आके पापा? आइए ना जरा, वो माँ ने बुलाया है। ठीक है। बुलाया? आइए आइए। आओ आओ मिस ब्यूटीफुल। हेलो शुरू आके दादी।
काफी खूबसूरत लग रहे हो आप। थैंक यू, वैसे तुम भी आज एकदम डबल ट्रिपल ब्यूटीफुल दिख रही हो। क्यों बुलाया था मुझे, कुछ काम था? तुमको तो पता है आज गरबे का कॉम्पिटिशन है। हाँ, उसके लिए सौ भी बहुत एक्साइटेड है। बहू हमारी नहीं आने वाली आज कॉम्पिटिशन में, तो मेरे बेटे के साथ तुम कर लोगी उसमें पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट होता है? पार्टिसिपेट करना है तो सीधी जाके दाएं मुड़िए, टॉयलेट वहां पे है। इंग्लिश कब से आने लगी इसको वो पार्टिसिपेट? ठीक है, करती हूँ मैं इनके साथ पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। करो करो प्रैक्टिस करो दोनों। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखियो श्रेया के पापा, अभी आप मेरे साथ कर रहे हो तो हम ना थोड़ा सा नॉर्मली करेंगे। नॉर्मल क्यों, एडवांस करते हैं हम। मैं तो कर लूंगी एडवांस, पर आपका क्या? देखिए शर्वरी जी, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भले ही मेरे बच्चे हैं दो बड़े बड़े, पर अभी भी मैं अंदर से काफी यंग हूँ। आप जो स्टेप बोलोगे वो मैं करूंगा। सत्य? एकदम सत्य। ठीक है, एडवांस करते हैं। क्या हो रहा है बेटा? ये क्या कर रहा है? बेटा ये क्या कर रही है? बड़ा फनी है, कुछ ना कुछ फनी हरकतें करते ही रहता है हंसाने के लिए। अच्छा बेटा मत कर, अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा हो रहा है। ऐसे करना है ना शर्वरी जी? शुरू आ गया। वैसे नहीं, ये देखे आप। शर्वरी जी, ये घूमना कैसे होता है? मैं आपको ठीक से बता रही हूँ, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? अभी घूमेंगे कैसे? ये तो काफी इजी है। मैं जा रही हूँ। अब मिस ब्यूटी बाय। मुझे क्या हो गया था? बॉडी गार्ड को कॉल करती हूँ ना। हेलो, जल्दी से आ जाओ सोसाइटी में, जोया को तुम्हारी जरूरत है। फोन तो कर दिया बॉडी गार्ड को, पता नहीं कब आएगा। जल्दी से आ जाए बस। हीरो आ गया। हेलो बॉडीगार्ड, वेलकम बैक टू अवर ब्रांडेड सोसाइटी, जो कि मेरी वजह से ब्रांडेड है। अगर इस बार सच में कोई जरूरी बात नहीं हुई तो पिछली बार जो गोली ऊपर लगी थी वो सीधे निशाने पे लगेगी। देख, तेरा जो निशाना है ना वो ऊपर है, ठीक है ना? मेरे तरफ मत करिए बंदूक, मुझे डर लगता है बंदूक से, समझ गया तू? भले ही मैं ब्रांडेड हूँ पर बंदूक से डरती हूँ, क्योंकि ब्रांडेड लोगों के पास भी जान होती है और मेरी तो ब्रांडेड जान है। देख, इस बार मैंने तुझे कॉल सच में किया था, क्योंकि सच में उसको जरूरत है तेरी। सच बोल रही हूँ मैं, एकदम सच, उसको जरूरत है तेरी, सच में। जा, मेरे ब्रांडेड होने की कसम। ब्रांडेड होने की कसम आप ना ही दो तो ठीक है, क्योंकि आप अनब्रांडेड हो। ए, क्या बोला? अरे ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड, ऐसा कोई भी आके मुझे अनब्रांडेड नहीं बोल सकता। अरे आप, हाय मैं मर जाओ। मैं क्यों मरूं, मेरे दुश्मन मरे। आप डांडिया खेलती हो? जी हाँ, हम पूरी सोसाइटी हर साल मिलकर गरबा खेलते हैं। अच्छा, कोई काम की बात नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। क्यों मुझे फंसा रही है तू? क्यों एक मिनट, सुमित्रा जी ने आपको कॉल किया था? हाँ, इनका मुझे कॉल आया था कि आपको मेरी जरूरत है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं है।
मैं सोया तेरी भलाई का सोच रही हूँ मैं। आज वो कंपटीशन है ना, कंपटीशन है आज गरबे का कंपटीशन है, सब मिलके गरबा करने वाले हैं और बेचारी अकेली है, अकेली कैसे करेगी, इसलिए मैंने कॉल किया। नहीं संभाल ना इसकी बंदूक को संभाल। देखिए आज सोसाइटी में कंपटीशन होने वाला है गरबे का, अगर आप भी आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे तो वो नहीं आता। या किस काम आएंगे, सिखा दो तीन गरबा के स्टेप। ऐसे भी आपके यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स आते नहीं, इसी को बना लो अपना स्टूडेंट। आइए मैं आपको दो तीन स्टेप सिखा देती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं होता। चाचा जी आपको पता है आज रात को गरबे का कंपटीशन रखा है? पता है, सोसाइटी में कंपटीशन होने वाला है, मैं ही जीतूंगा। आप किसके साथ करोगे कंपटीशन? तू है ना? मैं नहीं आने वाला, मैं तो चंपा जी के साथ जा रहा हूँ, उनके यहाँ पे रखा है कंपटीशन, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया है। वाह, शादी मैंने करके दी, तेरा सब सेटिंग मैंने करके दिया, जब मुझे जरूरत पड़ रही है तो ऐसा भाग रहा है। 1 2 देखो गरबा कंपटीशन तो हम ही जीतने वाले हैं। बाय द वे तुम इस लुक में काफी अच्छे दिख रहे हो, आई लव योर हेयर। थैंक यू। तुमने बोला था ना कि कुछ नया करो यूनिक सा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मेरे बालों को यूनिक कर दिया। ये दोनों पता नहीं क्यों मेरे नसीब में पूछ के रखा है, जाते ही नहीं, कब होगी इनकी शादी? हे भगवान जल्दी से इनकी शादी हो जाए और ये हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाए, मजा आ जाए। आ तुम कितने क्यूट हो, तुमसे तो कम ही हूँ। आई लव यू, आई लव यू टू। तुझे शर्म नहीं आती क्या, ऊपर से दांडिया फेंके मार रहा है, सिर फूट जाता मेरा तो। बात कर रही हो आप, शर्म नहीं आती क्या आपका, एक बुड्ढे का सिर फूट जाता तो सारा गरबा आपका बंद हो जाता रात का। सॉरी चाचा जी, बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लव बर्ड्स पे। आपका कोई लव बर्ड नहीं इसलिए आपको गुस्सा आता है, इच्छा भी नहीं होती तुझे मारने की। छी, सॉरी चाचा जी, आपके टकले को लगा तो नहीं। ये क्या टकला है, टकला किस एंगल से लगा तुझे ये? ओ आपका विग नहीं, नहीं नहीं असली बाल है ये देखो। कुम्भिने क्या कर रहा है? दिखा रहा था आपके बाल असली है। रियल है, रियल एकदम रियल। तो आपको ज्यादा लगा नहीं होगा, आपका असली हेयर है ना, हेयर की वजह से आपको कम लगा होगा। कहाँ से आके बैठे हमारी सोसाइटी में पता नहीं, अरे जाओ ना अपने देश में। यही मेरा देश है भारत, मेरा महान। तो देखिए जैसे मैं करती हूँ वैसा केश है। सॉरी फिर बहुत आसान है ना? आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मुझे सिखा रही हो।